नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के युवा वर्ग जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आने वाले 1 से 2 महीने में बिहार में सरकारी विभागों में बहालियों की बहार आने वाली है। ऐसे में बिहार के कई जिलों में सरकारी नौकरी की चाहत में तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सुनहरा अवसर है। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण विभिन्न बहाली पर भी असर पड़ा है, वही छात्र छात्राओं पर भी बेहद बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वे सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे तो हैं, मगर समय से बहाली होने के कारण उम्र निकलती जाती है, जिससे विद्यार्थियों का हौसला भी कमजोर होता है। वहीं अब कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप सूबे में कम हुआ है, तो बिहार सरकार अब विभिन्न सरकारी पदों पर भर्ती निकालने वाली है। इसके तहत अगले कुछ महीने के दौरान ही 10 अलग अलग वैकेंसी में 10,000 से अधिक पदों पर बंपर बहाली होने जा रही है। तो चलिए आपको इन बहालियों के बारे में हम बताते हैं। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ही अकेले 10,000 से ज्यादा पदों पर बहाली होने वाली है। इस संबंध में विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने बताया है कि विभाग में 1 से 2 महीने में 10,000 से ज्यादा पदों के लिए रिक्तियां भरी जानी हैं। इनमें से राजस्व कर्मियों के लिए 4,353 पदों पर भर्ती होगी, तो वहीं 1,768 पदों पर अमीन की भर्ती होनी है। इसके अलावा डाटा एंट्री के पद पर भी बड़ी संख्या में बहाली होनी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,813 रिक्तियों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों को बहाल किया जाना है। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो वहीं बिहार में ESIC की तरफ से भी बहाली के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। इसके तहत ESIC में प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट सहित डॉक्टरों के कुल 36 पदों पर भर्ती ली जाएगी। इसके आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 अगस्त 2021 तय की गई है। इसकी उम्र सीमा 45 साल से लेकर 67 साल तक निर्धारित है। बताते चले कि इसके लिए किसी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी, बल्कि इंटरव्यू के जरिए ही बिहार ESIC में इन कर्मियों का चयन किया जाएगा। जहां तक बात शैक्षणिक योग्यता की करें, तो अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त MBBS और संबंधित विषय में PG की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे में अभ्यर्थी आज ही आवेदन भर ले, और इसके लिए अभ्यर्थी ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये सब तो बिहार सरकार की बहालियों के बारे में बात हुई है। हालांकि बिहार के युवाओं का सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती ले जाने वाले SSC में भी काफी रुचि होती है। ऐसे में SSC की तरफ से भी बहाली निकाली गई है। SSC GD की नौकरी करने के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि GD कांस्टेबल के कुल 25,271 पदों पर बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक है। ऐसे में इच्छुक छात्र छात्राएं जल्द से जल्द आवेदन को भर सकते हैं। बताते चले कि इसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है, तो वही उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इसके लिए सामान्य श्रेणी के पुरुष को ₹100 आवेदन शुल्क लग रहे हैं, जबकि महिला SC ST और भूतपूर्व सैनिक के पोता पोती या फिर नाती नतीनी को कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेंगे। बिहार राज्य SSC के सेंट्रल रीजन में आता है। इस बार भी लाखों छात्र छात्राओं के द्वारा आवेदन किए जाने की उम्मीद की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।